अरे तो वोट हर झंडा के लगेगा हम तो दिन का आचार्य हटरा के तब में आदिवासी मूलवासी झारखंड सरकार थोड़ा कोई हेमंत सरकार मिला को तेनोरे संथाल परगना तिर नेता मिला को मीट के हनु ग्लो मीट सडा तक बाबा करो दरे ते नेता आचार्य कतन तक बाबा भी बने थे ना कि एसपीडी सीएनटी एक बकाते अब दूर दूर फुटो झारखंड सेंगल लगावे ना उन जते लहर अजूरी इवन कहेगा ना और बंद 12015 चितान रे जहां पर छतो कोई लहर यूट्यूब रे सर घोटा केस लगा और का चमर बबुई मन के 36000 आसार इति कि रघुवर सरकार और जो तोर मिलोक तो लगा चो दे कुर्सी पे सब हां मनो नतन मन जो सब है ये कना खुद से तो उन पे ये जो का एक मन सरकार आज मैं रसीब और सुप्रिया सुन अपना कुर्सी पे लगा दो बताई रसीब सुप्रिया बोले सुन जी चलो बेटा तुम ना तेंगो बाबा का खुदी सर विचार के ताबू को कुल ले बना लो पड़ा तीन अबू उनका दिन दीदरा बाका से मैंने थे ना आज हम लोगों का जमीन आज हम लोगों का गांव झारखंड आज हम भाषा और भाषा का बात करते हैं जिस मिट्टी का हम मालिक हैं उस मिट्टी का कोई और आकर के यहाँ पे मालिक ना करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ये झारखंड की आवाज है यहाँ का आम हम और यहाँ का मूलवासी की आवाज है। हेमंत सोरेन आप सतर हो गए जाए आप सतर हो गए जाए कहीं ना ऐसा दिन आ जाए आपको कहीं कोई मुखिया बुला के हम लोग नहीं छोड़े। आज संथाल बजाने के आम हम ने आपको इतना सम्मान मान सम्मान पूरे परिवार को दिया है आपका पिताजी को दिया है लेकिन आज आपने जिस आम हम को आपने बेचने का काम किया है जिस तरह आप सारे लोगों ने करा कि ये जो पंकज मिश्रा है किंतु बिंदु किस पर किसको रखे है जिस आदमी ने ये गरीब आदमी ने आपको वोट दिया था आज उसको नकार रहे आप एक दिन आप लाइक भी दे रहे हैं जहाँ आप इस एरिया से रामगढ़ से आते हैं आप खड़ा होकर देखिए आप वहाँ का वार्ड जीतने के लायक भी नहीं रहेंगे। ये संथाल परगना धरती था जो आपको सीएम तक कुर्सी तक बैठने तो आज हमें सभी लोग को जागना है और इस तरह का सरकार को इस तरह के नेता को और हमारे जितने भी नेता इसके हमारे लोपी नगरों को परिचित ईश्वर मरंडी गिर गिरा रहा था ना ये लोग डरपोक है नपुंसक के सामने लोग कर रहे हैं नेताओं को और इस तरह को भगाने के लिए हम लोग को खड़ा होना है और इसको जवाब करने का काम करेगा क्या हमारे यहाँ गिर रहा है हमारे नेता लोग जिस तरह से मंत्री आलमगीर आलम ने ईश्वर ने क्या कहा कभी यही विभागीय मंत्री है जबरदस्त हत्या आधारित तलबा मंत्री यहाँ का कई सत्ता ज्यादा इरफान हसारी हर कोई बोलता है आज इनके ऊपर कल कहीं से संदेह आ रहा था कहीं न्यूज आ रहा है कि लोबिन अहमद को पार्टी से निकाला जाए। हम तो चाहेंगे भाई पहले तो जगन्नाथ मोहन को निकाला जाए क्योंकि उन्होंने शिक्षा मंत्री और उन्होंने हर स्टेट मंत्री बोला है कि 1932 हत्या लागू होगा तो फिर यार सीता सोरेन आ रहे तो लोबिन अहमद को निकालने का कौन सा तरीका हुआ। ये हमें जागना और जानना जरूरी है इसीलिए सभी लोग से मेरा निवेदन है विनती है जो तो गो बाबा से कोई नेहरी खोजो तब ना जो तो हर बिना बुरे हर नेता ना गोरे अखारटी मीट के ना तब बोल छो का जब तक 1932 हत्या ना करो तब तक मीट आ तब बोल छो से मेरे तो आला जिदा रे केस किदा हेमंत सोरेन तीन तल को का अंदर आगे ने उड़ती रा जाना क्रॉस रैली नेता के से हेमंत सोरेन अरे रघुवर तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया आप क्या उखाड़ लोगे रघुवर ने तो कुछ नहीं उखाड़ पाया आप क्या उखाड़ लोगे। आपका दरवाजा जेल का दरवाजा खुला रखे पूरा आम और संथाल परगना के लिए आने के लिए तैयार आप जेल को दरवाजा बंद कर रखिए अदौना ये तो जेल और केस और मुकदमा तब को बता रहा हूँ यही आपस हमारे रहने तब रही 105 केसेस मेरे ऊपर है जी यही हक और अधिकार के लड़ाई के चलते उड़ा ये तो अलग बता रहा हूँ हक अधिकार ये नेता लोग को भगाना का काम करेंगे उनको सबक सिखाएंगे आम जनता को डरने की बात अगर कोई भी भाई और बहन है आप लोग पार्टी में पहले मट्टी के साथ आप खड़े रहिए तब पार्टी आपको साथ देगा। अगर आपको किस दिन मट्टी अगर आपको नकार दिया उस दिन आपको पार्टी भी छोड़ देगा ये हम आपको जान के साथ बता रहा हूँ।
समय कम गया जोहार।